एक बहुत ही सुंदर गांव था और वहां के लोग हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव के बच्चे सारा दिन गलियों में खेलते रहते और बड़े बूढ़े अपने अपने काम में लगे रहते। सभी का जीवन सामान्य चल रहा था। उन्हीं गांव वालों में एक चरवाहा रहता था। वह रोज अपनी गायों को सुबह जंगल घास चराने ले जाया करता और शाम को वापस आ जाता। अपने दैनिक कार्य के अनुसार चरवाहा अपनी गायों को लेकर जंगल के रास्ते निकलता है और कुछ ही दूर चलते उसे याद आता है कि वह अपने खाने की पोटली भूल गया है, लेकिन गायों को वापस ले जाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वह भागते हुए वापस अपने घर पहुंचता है और वहां से खाने की पोटली लेकर वापस अपनी गायों के पास आता है, लेकिन उसकी बहुत सी गाय वहां से जा चुकी होती है। चरवाहा परेशान हो जाता है। वह यहाँ वहाँ नजर घुमाकर अपनी गायों को उनके अलग अलग नाम से बुलाने लगता है। वह बची हुई गायों को वापस घर ले आता है और जंगल में भागकर खोई हुई गायों को ढूंढने निकल जाता है। जंगल के कुछ अंदर घुसते ही उसे एक कुआं नजर आता है और वह कुएं में झांककर देखता है। उसे लगता है कहीं कोई गाय इस कुएं में न गिर गई हो, लेकिन उसकी गाय कहीं नजर नहीं आ रही होती है। वह कुएं में जोर से आवाज लगाता है। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं तुम्हारी गाय दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन के 5 वर्ष चाहिए। चरवाहा यह सुनकर जिज्ञासा भरी नजरों से कुएं के अंदर झांकने लगता है और दोबारा पूछता है, कौन हो तुम? कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? लेकिन कुएं के अंदर कोई नजर नहीं आता। चरवाहा को एहसास हो जाता है कि हो ना हो जरूर यह कोई रहस्यमय कुआं